पर पढ़ते हुए थोड़ा वक्त बिताऊंगा। तुम पूरे दिन पढ़ रहे हो योगो। शायद मैं जितना पढ़ता हूँ उसे देखकर रैन को बहुत दुख हो रहा है, पर मैं ऊपर जाकर पजल पूरा नहीं करना चाहता। क्या उसने कुछ देर के लिए पढ़ना बंद कर दिया? शायद मुझे उसकी बुक्स छुपानी चाहिए। योगो का अटेंशन पाने के लिए रैन को मामला अपने हाथों में लेने की जरूरत पड़ी। तुमने मेरी बुक्स छिपाई है? मैंने तुम्हारी बुक्स छिपाई नहीं। मुझे पता है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, लेकिन मेरे पास वहाँ और बुक्स है। मुझे लगा कि वो वहाँ है। अरे जरा सोच के तो देखो। अब वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मुझे जिमी की Day 40 की ऑफर याद आ रही है। मैं वो ले सकता था पर मैंने नहीं कहा, क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए थे। तो ये सोचकर कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने रुकने का फैसला किया, क्या पता ये मुझसे होगा या नहीं। ह्यूगो की आवाज में छुपा पछतावा सुनने के बाद मैंने Day 70 पर ऐसा ऑफर लाया जो उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट था, पर हमेशा की तरह सबसे पहले हमें वो बटन दबाना होगा। ओह, ये तुमने बंद कर दिया। ओह, ये तुमने क्या कर दिया? लाइट्स बंद कर दो। क्या हाल है? हम बढ़िया है, तुम कैसे हो? Day 70 का ऑफर बताने से पहले मुझे आपको अलग करना होगा। ह्यूगो तुम ऊपर जाओ और रैन तुम पैसों के पास। अब बनानी होगी एक दीवार। ये पर्दे मुझे परेशान कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या होने वाला है? हे काल, जल्दी से पैसों को सक करो। 2 लाख खींच रहे हैं हम। अभी इस $6 लाख के प्राइस पूल से पूरे $2 लाख खींच रहे हैं, और बिल्कुल मेरी पिछली ऑफर की तरह अगर कोई बाहर जाता है तो $1 लाख उसके हो जाएंगे। शायद मैं जाने वाला हूं। नहीं, नहीं जा सकते। तुम में से एक जा सकता है इन पैसों के साथ। तुमने वो ऑफर फिर से लाया? हाँ, पर इस बार आप ले जाओगे पूरे $2 लाख, वो भी दूसरे इंसान को बाहर किए बिना। ओके। पर ये Day 40 की ऑफर की तरह नहीं है। इस बार मैंने आपको अलग कर दिया है, तो इस बार वो तुम्हें जाने से रोक नहीं सकती, अगर तुम जाना चाहो तो। ये तो कमाल है। जिमी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम रैन पर ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अब 3 लाख के लिए कम्पीट करने के बदले, जो कि तुम दोनों जीतोगे अगर तुम यहाँ रहते हो तो, अब वो जीतेगी पूरे $4 लाख, तो तुम्हारे जाने से उसकी मदद होगी। मैं उसे 1 लाख जरूर देना चाहूँगा। हाँ। पता नहीं लग रहा कि वो जाने वाला है। पता नहीं अगर मैंने इन 2 लाख को मना कर दिया तो खुद को माफ कर पाऊंगा या नहीं, और उसके बाद भी चैलेंज हार गया तो। और जब तक वो फैसला लेते हैं कि उन्हें वो $2 लाख चाहिए या नहीं, मैं आपको बताता हूँ मॉन्स्टर हंटर नाउ के बारे में। क्या? मॉन्स्टर हंटर नाउ एक फ्री टू प्ले मोबाइल गेम है Niantic की तरफ से, ठीक जैसे पोकेमॉन गो। ये सुनके तुम्हें खेलने का मन हुआ? ये इसके लिए बहुत बुरा वक्त है। कमॉन। और ये गेम अच्छे से दिखाने के लिए मुझे ऊपर जाना होगा। मॉन्स्टर हंटर नाउ हमें एनकरेज करता है कि हम बाहर जाएं और मॉन्स्टर्स को ढूंढें। सोचो आप एक डॉग को घुमाते घुमाते मॉन्स्टर्स को हंट कर सकते हो, या फेस्टिवल्स खरीदते हुए भी मॉन्स्टर्स को ढूंढ सकते हो, शायद डेट पर भी। वैसा कभी नहीं हो सकता, पर तुम मॉन्स्टर्स से लड़ सकते हो। मॉन्स्टर हंटर नाउ ने मुझे दिया है मेरा अपना एंड गेम क्वेस्ट, जो कि 30 दिनों तक अवेलेबल है, प्लस मिस्टर बी स्वॉर्ड्स, शील्ड्स और दूसरे इन गेम आइटम्स। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें या QR कोड स्कैन करें और मॉन्स्टर हंटर डाउनलोड करें। मिस्टर बीस्ट हंट कोड से स्पेशल आइटम्स को फ्री में पाएं। मेरा क्वेस्ट सिर्फ अगले 30 दिनों तक अवेलेबल है, तो जरा जल्दी कीजिए। मैंने पहले ही 1 लाख गवाए हैं और ये उसके 2 गुने। और याद रहे, अगर कोई बाहर नहीं आता तो अभी भी इस बंकर में पूरा 1 महीना रहना होगा। क्या तुम्हें अपने परिवार से मिलना है? क्या तुम्हें सूरज की रोशनी देखनी है? और सबसे जरूरी, क्या तुम्हें बंकर के दूसरे इंसान की फिक्र है और चाहते हो कि वो 1 और लाख जीते? 5, 4, 3, 2, पूरे $2 लाख जीतने का ये आखिरी मौका है। 1, हम नीचे आ रहे हैं। वो अब भी वहाँ हो, ये हो नहीं सकता। और अब मैं ये पर्दे निकालने वाला हूँ और देखते हैं कोई गया या नहीं। तुम में से कोई भी नहीं गया। अरे वाह। क्योंकि दोनों में से कोई नहीं गया, ये रहे तुम्हारे $2 लाख वापस। मिलता हूँ अगले 10 दिन में। मैंने अभी अभी 2 लाख को ना कहा। मैं हैरान हूँ कि तुमने ना कहा। उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं सुनना चाहते। हालांकि उनमें से कोई नहीं गया, पर पैसे ही थे जो उन्हें साथ बांधे हुए थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये करता हूँ या नहीं। कभी कभी इस चैलेंज का सबसे हार्ड पार्ट वो अलार्म भी नहीं होता, वो होता है एक दूसरे के साथ रहना, खासकर तब जब वो बहुत डिमांडिंग हो। मेरे लिए चिकन बनाओगे? मेरे लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाओगे? क्या तुम्हारा होने के बाद मेरे लिए थोड़े एग्स और चोरीजो बनाओगे? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हर दिन एक ही चीज कर करके परेशान हो गया हूँ। मुझे रैन की मदद करने में दिक्कत नहीं है। अगर अभी जिमी नीचे आकर मुझे ये कहे कि ह्यूगो तुम अभी जा सकते हो, ये लो $10,000, तो शायद मैं वो ले लूंगा। रैन के साथ इतना वक्त बिताने के बाद ह्यूगो बहुत ऊब गया था और उनके प्लांट्स लिटरली सड़ रहे थे, और रैन अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती थी। क्या तुम वो गंदा पानी बाहर निकालोगे? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, वो तुम ही करो। थैंक्स रैन। मैं कसरत करने वाली हूँ। ओ, इतनी बदबू। पता नहीं क्यों, पर मैंने अपने बाल काटने के लिए रैन को कहा
और ऑफ कोर्स उसने वो बिगाड़ दिया। ह्यूगो के बाल खराब करना आखिरी स्टेप था और उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। शायद मैं जाना चाहता हूँ। तो फिर जाओ, वो पैसे जल जाएंगे और हम दोनों कुछ नहीं जीतेंगे। मैं बता सकता हूँ कि उन्हें परेशानी हो रही है, तो देखते हैं मेरी अगली ऑफर उन्हें खुश करती है या और परेशान करती है। मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगा और अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं वो बटन अगले 10 दिनों तक नहीं दबाऊंगा, मतलब 10 दिनों की छुट्टी। 10 दिन का ऑफ बहुत कमाल का होगा। पर अगर जवाब गलत हुआ तो मैं टाइमर से 10 सेकंड कम कर दूंगा। शायद मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहने वाले हो। और वो सवाल है, किसका टेस्ट बेहतर है, फीस्टिबल्स चॉकलेट बार या हर्शीज चॉकलेट बार? जवाब आसान है, फेस्टिवल्स। सही कहा, ये बहुत बढ़िया है। ये तो आसान था। अब अगले 10 दिनों तक मैं वो लाल बटन नहीं दबाऊंगा। तुम्हें नींद पूरी कर लेनी चाहिए क्योंकि डे 90 इतना आसान नहीं होगा। रेन, रेन, अलार्म! ओह माय गॉड, तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। सच में हम इसे कवर भी कर सकते हैं। तुमने सही कहा। तो 10 दिन बाद मिलते हैं टाइमर। उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा टेंशन होने के बाद भी अलार्म को निकालने से हो सकता है कि ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आना शुरू करें। चूंकि अब वो अलार्म नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैं वही कर रही हूँ। और आज का मेन्यू है डोनट्स। रेन ने कहा था कि वो कभी भी कुक नहीं करेगी और देखो मेरी रूममेट वहाँ पर डोनट्स बना रही है दोस्त, और वो बढ़िया लग रहे हैं। थैंक्स ह्यूगो। ठीक है, ये रहे हमारे डोनट्स टेस्टर्स, फेस्टिवल्स चॉकलेट कवर्ड डोनट्स। My God, फीस्टिबल्स बहुत ही बढ़िया है। और क्योंकि फीस्टिबल्स ने अकेले ही उनकी दोस्ती बचा ली, इसीलिए बाकी के कुछ दिन आराम से निकल गए। इसीलिए हर दिन का बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने आने वाले दिनों के लिए तैयार होने में लगाया। हमें ऐसा करना चाहिए कि डे 90 के लिए तैयार होना चाहिए। चलो थोड़ी गेम प्लानिंग करते हैं और पक्का करते हैं कि हम जीते। मैं ह्यूगो से कहकर टाइम गिनूंगी कि बंकर के लिए अलग अलग एरियाज हैंड स्कैनर तक जाने में कितना वक्त लग सकता है। MP3 प्लेयर में स्टॉपवॉच भी है जो रायन ने दिया है। चलो 2.61। ओके ओके, चलो 4.09। ओके, कूल कूल कूल, अभी 5 के अंदर। गो 3.87, 3.57, ओके 3.39, ओके। डे 9200, वो एक जंग जैसा होगा। सक बनो या घर जाओ, मैं सक बनने वाली हूँ क्योंकि मैं घर नहीं जाने वाली। कल डे 90 आने पर टाइमर फिर से आ जाएगा, पर इतनी ट्रेनिंग के बाद हम ये कर लेंगे। वो साइन निकालने का वक्त आ गया। ओ, वो रहा वहाँ। ये ऑफिशियली डे 90 है, जिसका मतलब है 10 दिनों में ये पहला बटन पुश होने वाला है। वो अलार्म दोबारा शुरू हो गया है, क्या आप दोनों को इसकी याद आई? हैरानी से सच में आई। ओके, नीचे आ रहा हूँ। ये रहे पूरे $100,000 जो आपके प्राइस पूल में ऐड हो जाएंगे, जो कि मैं आपको अभी दे सकता हूँ, जिससे आपका बैलेंस हो जाएगा पूरे $7,00,000। और इन पैसों के बदले मैं आपके टाइमर में कुछ और वक्त ऐड करूंगा, जिससे 20 सेकंड बढ़कर हो जाएंगे पूरा 1 मिनट। लेकिन हर दिन जब भी आप हाथ स्कैन करोगे तब ये टाइमर रीसेट नहीं होगा, और ये 1 मिनट आपको इस चैलेंज के पूरे होने के 10 दिनों तक चलाना होगा। ओके, आपको सोचने के लिए 1 मिनट देते हैं। क्या लगता है, क्या लगता है? ये थोड़ा डरावना है, पर ये बहुत ज्यादा पैसे है। हमने गिनती की है, हर बार हमारे पास 5 सेकंड से कम वक्त। हर एक बार सही कहा। ओके, सख्त बनो या घर जाओ। सख्त बनो या घर जाओ। जिमी, हमने फैसला कर लिया है। आपने क्या फैसला लिया है? हम ये करने वाले हैं। यकीन है? यस। अब पीछे नहीं हट पाओगे। मैं इन पैसों को ऐड कर रहा हूँ। सख्त बनो या घर जाओ, अब ये होने वाला है। तुम्हें 10 दिन बाद मिलता हूँ। चूंकि हमारे पास है पूरे $7,00,000, वो भी दाव पर, और हमारे पास 60 सेकंड्स है, शायद फिर से डेकोरेट करना चाहिए। हमें ऐसी सेटिंग करनी होगी कि हम स्कैनर से 1 फुट से ज्यादा दूर न हो जाए। हमने जरूरत का सारा खाना भी यहाँ लाया है। हमें यहाँ पर आए 90 दिन पूरे हो गए हैं और अब हम यहाँ तक आ गए हैं। देखते हैं हम हमारे नए सेटिंग एरिया से अलार्म कैसे ऑफ करते हैं। बीप 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 बीप। 1.11, ये कमाल का था। हर एक सेकंड बहुत जरूरी वो है। वो डरे हुए थे कि हम वो बटन दबा देंगे। वो दोनों लिटरली पूरा दिन उन हैंड स्कैनर्स के पास ही इंतजार कर रहे थे, और ऑफ कोर्स जब हमने बटन दबाया वो दोनों तैयार थे। ओह, चलो चले। ये क्या था? ये अब तक का सबसे फास्ट था। हाँ। और फिर वो सोने चले गए, पर वो जानते नहीं थे अभी आधी रात हो गई थी, जिसका मतलब था एक नया दिन, और हमें बस इंतजार करना था उनके सोने का। वो लिटरली सोए हुए थे और उन्हें बस 2 सेकंड्स लगे। वो हमारे जाल में नहीं फंसे, पर मैं जानता था कि किसी एक पॉइंट पर उन्हें बाथरूम तो जाना ही होगा, तो मैंने उस पल का इंतजार किया कि कब वो स्कैनर से ज्यादा दूर हो जाए। रेन, 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 बोलाओ। बढ़िया बढ़िया, तुम तो एकदम उड़कर ही आई।